नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, की जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि मैं अपने चैनल पे नए नए वैकेंसी के बारे में बता रहा था, वैसे ही आज भी मैं आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ज़्यादा वेट ना करते हुए मैं चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि कौन सी ऐसी वैकेंसी जिसमें आप सभी को बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है और उसमें बहुत सारे आपको फीचर मिलने वाले हैं। तो देखते हैं। तो हाय गाइस, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सभी के सामने मैं पेज ओपन कर लिया हूँ पीडीएफ, और यहाँ पर आप सभी के सामने इंडियन आर्मी का जो वैकेंसी है दिख रहा है। तो इसमें बता दूं कि एलिजिबल फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए है रिक्रूटमेंट। तो इसमें सारे जो फैसिलिटी हैं, किस तरीके से क्या है क्या नहीं है, वो सारे चीज़ इसमें प्रोसेस दिए गए हैं। सारे यहाँ पे देख रहे हैं, सारे इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन सारी चीज़ दे दी गई है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सभी कौन से वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको सीधे आपको यहाँ पे नीले कलर में आपको वेबसाइट दी गई है joinindianarmy.nic.in। तो इस पे जाके आप विजिट करके आप अपना फॉर्म इजी तरीके से फिल कर सकते हैं। तो और यहाँ पे देख रहे हैं कि वैकेंसी किस किस रैंक किस किस पोस्ट पे है, कैटेगरी क्या क्या है। तो यहाँ पे सारा आप सभी को दिया है। यहाँ पे पंडित के लिए है, और पंडित गोरखा के लिए है, क्रांति के लिए, मौलवी के लिए है, ठीक है, पादरी के लिए, बौद्ध मौर्य के लिए। तो इस तरीके आपकी वैकेंसी है, कैटेगरी है, और रैंक बहुत अच्छा है इसमें। दोस्तों, जो भी सारे पोस्टें आते हैं बहुत अच्छे रहते हैं, सिर्फ आपको एक टारगेट बनाना है कि हमें कोई ना कोई एक उसमें सीट अचीव करना है। क्योंकि दोस्तों, आप फिलहाल काम करेंगे तो एक ही पोस्ट पे काम करेंगे, हर एक वैकेंसी लेकर आप अकेले नहीं बैठ सकते। इसीलिए दोस्तों, आप एक सीट के बारे में सोचिए और पूरी सीट लेने की कोशिश कीजिए कि एक जो सीट आपकी पर्सनल है वो आप कैसे भी करके कवर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं इसी सेशन में कि क्या और होने वाला, किस तरीके से फॉर्म भरने वाला। तो हाँ जी, हाँ दोस्तों, आप सबको बता दूं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो एज लिमिट भी जान लीजिए कि यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है, और यहाँ से 25 ईयर से 36 ईयर ओल्ड तक के आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे, तो इस एज को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिल करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे जहाँ तक कि अब बात किया जाए कि क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है क्वालिफ़िकेशन अगर नहीं रहा तो आप किसी भी तरीके का फॉर्म फिल कर नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आर रिक्वायरमेंट। तो इस तरीके से जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आप जो भी कैंडिडेट जो भी पढ़ाई किए हैं तो उसके अनुसार सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दिया गया है, देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, आपका हेल्थ वगैरह सारा स्वस्थ रहना चाहिए, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जब फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो है कि हमें हाई चेस्ट वेस्ट भी इंडियन आर्मी वगैरह में पूछी जाती है। तो उस चीज़ का भी आप ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आप कहीं ना कहीं जाके उसको क्या कीजिएगा, मेजर करा लीजिएगा, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे भी ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, और आप इसे मेंटेन बना कर रखें ताकि आपको किसी भी प्रकार का आगे चल के दिक्कत ना हो। तो हाइट जो है इसमें कि 160 पूछा है, और चेस्ट जो है इसमें आपको पूछा है 77, और वेट जो है इसका 50 kg पूछा है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे जो पेपर का पैटर्न होता है, यहाँ पे जो सारा मार्क है आपका पेपर है, ये देख रहे हैं कि ये पेपर का पैटर्न सारा दिया है, प्रोसेस किस तरीके से। अब इसमें बता दूं कि मैं आप सभी को पेपर में यह ध्यान देना है आप सभी को कि निगेटिव मार्किंग होता है। यहाँ पे देख रहे हैं सारे, यहाँ पे लास्ट में आपको दिख रहा है मार्किंग करके दिखा दो। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है एज पर 0.5 का माइनस मार्किंग है पेपर देते समय, और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और टोटल क्वेश्चन 50 होंगे। तो 50 क्वेश्चन में से 40 मार्क्स आपको कंपलसरी लाना है, तब आप पास आउट हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें पेपर में दिया गया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करते हैं। तो अप्लाई करने के लिए चलिए मैं अपने आप फॉर्म को पे आ जाता हूँ, और किस तरीके से अप्लाई करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको एक एक वाइज सीरियल वाइज बताते चला जाता हूँ।
तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे तो आप सभी के पास एक अलग तरीके का अप्लाई फॉर ऑनलाइन, रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो उसके बाद आप जो भी आपका फॉर्म ओपन होगा तो आप वहाँ पे जाकर सीधा आपका एक फॉर्म ओपन हो जाएगा ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन पे जैसे ही आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा तो उसमें आप पर्सनल डाटा जो पार्ट वन पार्ट टू है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आप अपना एक फ़ोटो बनवा लीजिएगा 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर का, इस तरीके से जो फ़ोटो की साइज़ दिया गया है इसे ध्यान में रखते हो आप अपना बना लीजिएगा, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे नेम आएगा आपका ब्लॉक लेटर में, जो भी आप फॉर्म भरते हैं आप उसमें कैपिटल लेटर में भरेंगे। यहाँ पे पापा का नाम भरेंगे, परमानेंट एड्रेस, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, पिन कोड यहाँ पर फिल करेंगे। आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे फिर है, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको फिल करना है, सारा डिटेल प्रेजेंट एड्रेस जो भी ऊपर है, ईमेल आईडी सबसे ज़रूरत है और मोबाइल नंबर, ये सबसे ज़रूरी है। ये अगर नहीं फिल करते हैं तो आपका कोई भी नोटिफिकेशन होता है आप तक नहीं पहुंच पाती है, तो ये सबसे ज़्यादा केयरफुली भरना है आपको। यहाँ पे कास्ट भरना है, नेशनलिटी भरना है, मदर टंग भरना है, सारी चीज़ें भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, ये सारे आप देखते जाइए और आप इसमें कलेक्ट करके रखिए ताकि आप कहीं पर भी दिक्कत ना आए। और यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के बारे में एजुकेशन पूछा है, और फिलहाल यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर जो है प्रीवियस करेंट एम्प्लॉइज आप थे क्या पहले, नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन किस तरीके से पूछा है, देखिए चार्ट बना कर दिया गया है, ये सारा आपको फिल करना है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि रिकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये सारे भी दिया गया है, जो और भी अदर उसके अलावा कोर्सेस जो किए रहेंगे तो उसके लिए भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, पार्ट आप सेकेंड में देखते हैं, थर्ड में डिक्लेरेशन पूछ दिया है, जो भी आप फिल किए हैं वो सब आपका करेक्ट है या नहीं, वन ईयर पूरा है तो उसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे फर्स्ट ईयर यहाँ क्वेश्चन कुछ दिया गया है, इसमें से आपको टिक करना है, ठीक है। तो इसमें से टिक करने के बाद सारा आपका सिग्नेचर लास्ट में, यहाँ पे देख रहे हैं सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या दो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको पूरी तरीके से इंडियन आर्मी के बारे में समझ में आ गया होगा किस तरीके से फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सभी तक लेकर आते रहूं। और ढेर सारी आप सभी वैकेंसी के बारे में, आप अलग अलग पोस्ट के बारे में फॉर्म भरते रहिए, ताकि आपका कहीं ना कहीं सेलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत।